हमें एक ऐसे खबर की ओर ले चल रहे हैं जो समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम एक ऐसे खबर जो कि आपके शहर चंदौली में, चंदौली जिले में सावी स्वरोजगार व प्रशिक्षण केंद्र का भव्य शुभारंभ हुआ है और जो उनकी संचालिका है मीना सिंह क्या कह रही है आपको हम वो सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, समाज के युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने से बदलेगी भारत की तस्वीर। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव। रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र का हुआ भव्य उद्घाटन। ननद और भाभी ने ठाना है समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना है, एक प्रशासनिक सेवा के माध्यम से व एक समाज सेवा के माध्यम से। रिश्ते में आई है साक्षी सिंह, लगती है मीना सिंह की ननद। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां से रहे पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की बहन मीना सिंह ने जनपद के युवतियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र सैयदराया में शुरू किया, जिसमें युवतियों को आज के परिवेश में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस केंद्र में कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर कोर्स, जैविक खेती, पंचगव्य की शिक्षा व ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आई एस साक्षी सिंह रही। इस प्रशिक्षण केंद्र के भव्य उद्घाटन के अवसर पर श्रीहरि के पूजन से शुरू हुआ। इसके पश्चात साक्षी सिंह ने फीता काटकर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मीना सिंह ने बताया कि उद्घाटन के दिन लगभग 50 से अधिक युवक युवतियों ने फॉर्म ले गई। प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाएगा, जिसका समय सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र खुला रहेगा। शिफ्ट वाइज प्रशिक्षण दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। अभी तक का जिले का पहला ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंदौली।